हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल निधि का स्टडी पॉइंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है मादा प्रजनन तंत्र, या फिर जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहा जाता है। आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, पृथ्वी में जो प्रत्येक जीव है वो अपने समान नए जीव उत्पन्न कर सकता है, जिसे क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन या फिर यहाँ पे जनन कहा जाता है। तो यहाँ प्रजनन, जनन या फिर रिप्रोडक्शन के द्वारा नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता सजीवों में या फिर लिविंग थिंग्स में पाई जाती है, और उसके लिए एक विशेष अंग जीवों में पाए जाते हैं जिसकी सहायता से वे नए जीव उत्पन्न कर सकते हैं। तो यदि हम मनुष्य को देखते हैं तो मनुष्य दोस्तों यहाँ देखिए एक लिंगी प्राणी है, मतलब कि यहाँ जो मेल और फीमेल का जो लिंग है वो अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। यहाँ भी यदि आप पौधे को देखेंगे तो कुछ पौधे द्विलिंगी भी होते हैं, मतलब कि उनमें एक ही पौधे के जो पुष्प हैं उसमें मादा और जो नर दोनों के जो लिंग है या फिर अंग है रिप्रोडक्शन के लिए वे पाए जा सकते हैं। पर यहाँ मनुष्य में ऐसा नहीं होता है, मनुष्य में अलग अलग फीमेल और मेल यहाँ पे डिवाइड होते हैं जिसमें अलग अलग लिंग पाए जाते हैं, और यहाँ इसी के द्वारा जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो आज हम जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोस्तों। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मादा जनन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन जो है वो यहाँ पे रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला यदि हम देखते हैं तो वो होगा अंडाशय, या फिर जिसे ओवरीज कहा जाता है दोस्तों। सेकेंड है यहाँ पे अंडवाहिनियाँ, या जिसे ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्गन है यूटेरस, या फिर जिसे गर्भाशय कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे योनि, या जिसे वजाइना कहा जाता है। और उसके बाद है भग, या जिसे वाल्वा भी कहा जाता है। दोस्तों चलिए अब देखते हैं डिटेल से, यदि हम ये जो ऑर्गन है, जो अंग है, उन्हें देखते हैं मुख्य रूप से, तो इन्हें हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला यदि हम देखते हैं तो प्राथमिक जनन अंग कहे जाते हैं, और सेकेंड है सहायक जनन अंग। दोस्तों यहाँ देखिए, प्राथमिक जनन अंग या जिसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है उसमें ओवरीज आएगा, और यदि हम देखते हैं सहायक जनन अंग में कौन कौन से आएंगे तो वो आएगा अंडवाहिनी, या फिर जिसे ओविडक्ट कहा जाता है। इसमें और आएगा गर्भाशय, योनि और भग। सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम अंडाशय, या जिसे ओवरीज भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे यदि देखते हैं तो जो अंडाशय है वो मादा जनन जो तंत्र है उसमें एक जोड़ा पाया जाता है, मतलब कि यहाँ दो क्या पाए जाएंगे, अंडाशय पाए जाएंगे। और यदि हम देखते हैं तो ये जो अंडाशय है वो पेल्विक में या फिर श्रेणी गुहा में गर्भाशय के दोनों ओर यहाँ स्थित होते हैं। यदि हम देखते हैं इनका शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है, तो ये अंडाकार रचना की होती हैं, अंडे के आकार की रचना बनाती हैं। प्रत्येक अंडाशय लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो अंडाशय है उसके अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे जो अंडाशय में परिधि की ओर ग्राफियन पुटिका है, या फिर जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है, उसमें यहाँ पे अंडाणु का निर्माण होता है। और यहाँ पे ये क्या करते हैं, और अंडे एवं लिंग हार्मोन प्रोजिस्ट्रॉन का भी उत्पादन करते हैं। दोस्तों यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो अंडाशय का मुख्य कार्य क्या हो गया, अंडाणु पैदा करना, जो कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हमारा हो गया अंडाशय। अब चलिए देखते हैं सहायक जनन अंग। यहाँ पे प्राथमिक जनन अंग में केवल दोस्तों अंडाशय आता है, क्योंकि केवल यहीं पे जो मुख्य हमारा अंडाणु है उसका निर्माण होता है। तो यहाँ पे सहायक जनन अंग में कौन सा आएगा, अंडवाहिनी पहले नंबर पे, या फिर जिसे ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। तो यहाँ देखते हैं अंडवाहिनी या फिर जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी संख्या भी दो होती है, जो कि गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों बगल में लगी होती है।
प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब की यदि हम लंबाई देखें तो वो 10 सेंटीमीटर होती है। इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा अंडाशय की ओर जुड़ा होता है। दोस्तों देखिए, जो ये अंडवाहिनी या फिर जिसे ओविडक्ट कहा जाता है वो किसको जोड़ता है, यहाँ पे हमारा अंडाशय को जोड़ता है और गर्भाशय को जोड़ता है, क्योंकि इन दोनों के बीच ये पाया जाता है। और यहाँ पे जो इसकी कहाँ अंडाशय के साइड में जो ये जुड़ा होता है वहाँ पे उंगलियों के समान छोटी छोटी झालर की समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे यहाँ पे फिम्बरी कहा जाता है। दोस्तों अब देखेंगे फिम्बरी का कार्य क्या है। जब ये अंडाणु बनते हैं तब ये अंडाशय से बाहर निकलेंगे, तभी तो ये गर्भाशय में आके यहाँ पे शिशु के रूप में परिपक्व हो पाएंगे ना। तो यहाँ पे जो अंडाणु हैं वो अंडाशय से निकलते हैं, तो जब ये अंडाशय से निकलेंगे तब यहाँ पे जो फिम्बरी पाया जाता है, ठीक है, अंडवाहिनी की यहाँ पे मुख पे वो अंडाणु को पकड़ लेते हैं और इसके बाद जो अंडाणु है वो फैलोपियन नलिका की गुहा में पहुँच जाता है। फैलोपियन नलिका के से ये जो अंडाणु है वो आप कहाँ चले जाते हैं, गर्भाशय में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ अंडवाहिनी ने क्या कार्य किया, जो अंडाशय था वहाँ से जो अंडाणु थे उसे कहाँ तक पहुँचा दिया, गर्भाशय तक पहुँचा दिया, और ये इसका कार्य है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो हमारा होगा गर्भाशय या फिर जिसे यूटेरस कहा जाता है। दोस्तों यह एक नाशपति के समान रचना होती है जो कि श्रेणी गुहा में स्थित होता है। यह सामान्यतः 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इससे ऊपर की तरफ दोनों ओर अर्थात दाएं और बाएं ओर अंडवाहिनी खुलती है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया पहले कि जो क्या था हमारा अंडवाहिनी थी, एक ओर अंडाशय से जुड़ता है दूसरी ओर गर्भाशय से जुड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जो गर्भाशय है उसका निचला सिरा संकरा हो जाता है और जिसे ग्रीवा या फिर सर्विक्स कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो ग्रीवा जो है या फिर जिसे सर्विक्स कहा जाता है वो आगे की ओर अब यहाँ पे योनि में या फिर वजाइना में परिवर्तित हो जाती है। यदि हम देखते हैं तो गर्भाशय की जो भित्ति होती है वो भित्ति पेशीय होती है, ठीक है, और इसके भीतर जो गर्भाशय का भीतरी भाग है वो खाली होता है। गर्भाशय की जो भित्ति के अंदर यहाँ पे एक कोशिकीय स्तर होता है, ठीक है, कोशिकाओं का एक स्तर होता है जिसे गर्भाशय अंतः स्तर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ देखिए जो गर्भाशय है उसमें भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है, और जो भ्रूण है वो गर्भाशय से किसके द्वारा जुड़ा होता है, प्लेसेंटा या जिसे अपरा कहा जाता है उसके द्वारा जुड़ा रहता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे होगा योनि या फिर वजाइना। यदि हम देखते हैं वजाइना क्या है, तो वजाइना की यदि लंबाई देख लेते हैं सबसे पहले वो होती है 7.5 सेंटीमीटर और यह एक नली के समान रचना होती है। यह बाहर के तल से गर्भाशय तक फैली होती है। तो योनि का विस्तार कहाँ से होगा, गर्भाशय का जो सर्विक्स था वहाँ से लेकर यहाँ होगा हमारा बाहर का जो भाग है, ठीक है, वहाँ तक। इसके सामने मूत्राशय और नीचे मलाशय स्थित होता है। योनि की जो दीवार है वो पेशीय ऊतक की बनी होती है। योनि का एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है और दूसरा सिरा कहाँ खुलता है, गर्भाशय की ग्रीवा से, जैसे मैंने अभी बताया। योनि के शरीर के बाहर खुलने वाले छिद्र को योनि द्वार कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो योनि का दीवार होता है दोस्तों वहाँ पे एक चिकना पदार्थ बनता है, ठीक है, जो कि यहाँ संभोग के समय ये हेल्प करता है। कौन, ये चिकना जो पदार्थ होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ये। अब हम देखते हैं कि योनि तो हो गया, योनि का कार्य क्या है। तो यहाँ पे योनि का यदि कार्य देखें तो मैथुन के समय जो यहाँ पे वीर्य निकलता है वो योनि में गिरता है और योनि ये इसे कहाँ पहुँचा देता है, गर्भाशय में पहुँचा देती है। तो ये योनि का कार्य हो गया। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं हमारा जो सहायक अंग है वो है भग या जिसे वाल्वा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो भग होता है वो क्या है, ये मानवीय मादा के बाह्य जनन अंगों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, वाल्वा या फिर भग कहा जाता है। मतलब बाहरी जो स्ट्रक्चर है, शरीर के बाहर जो स्ट्रक्चर है मादा जनन अंग में, तंत्र में, वो क्या कहा जाता है,
भाग कहा जाता है। यदि यहाँ पे हम इसके क्षेत्र देखें कौन कौन से भाग हैं, तो जघन सेल, बृहत भागोष्ठ, लघु भागोष्ठ, भग्नाशा, योनि छिद्र, योनि छद और बाह मूत्र मार्ग इसके प्रमुख भाग होंगे। हम देखते हैं दोस्तों, तो ये जो भाग वाले क्षेत्र होते हैं ये अत्यंत संवेदनशील होते हैं और साथ ही साथ ये उत्तेजित क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन से सहायक अंग और प्राथमिक अंग होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होते हैं। दोस्तों चलिए अब छोटा सा टेस्ट लगाते हैं ताकि हम जान पाएं कि आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कितना जाना। तो सबसे पहला हमारा यहाँ क्वेश्चन होगा कि अंडाशयों में अंडों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। मैंने वीडियो में बताया है दोस्तों, आप बताइए कि ये क्या होता है। हमारे ऑप्शन होंगे अंडजनन, अंडोत्सर्ग, अंड निक्षेपण और अंड जरा युजता। आपको यहाँ कमेंट करके जो आंसर हैं वो देने हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा फैलोपियन ट्यूब या फिर जिसे क्या कहा जाता है अंडवाहिनी होती है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी सेंटीमीटर लंबी होती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर लंबी, 15 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर लंबी और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लंबी। आप आंसर ज़रूर दीजिए और कमेंट करके दीजिए ताकि आप जान पाएँ कि आपने कितना जाना। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मादा जनन तंत्र का बाहरी भाग क्या कहलाता है। हमारे ऑप्शन होंगे अंडाशय, भाग, अंडवाहिनियाँ या फिर गर्भाशय। चार ऑप्शन हैं, आंसर आप कमेंट करके दीजिए और ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो भ्रूण होता है उसका विकास यहाँ पे किस स्थान पर, जो मादा जनन तंत्र है वहाँ पर होता है। हमारे ऑप्शन है अंडाशय, सेकेंड या दूसरा ऑप्शन है योनि, तीसरा है भाग और चौथा ऑप्शन है गर्भाशय। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि जो हमारा क्या होता है अंडवाहिनियाँ होता है वो एक सिरे से अंडाशय की ओर जुड़ा रहता है। उसे उस सिरे में छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, उंगली की समान संरचनाएं पाई जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है। आपके यदि ऑप्शन हम यहाँ देखें तो वो होगा, पहला ऑप्शन है फिम्बरी, सेकेंड है यहाँ पे एंडोमेट्रियम, तीसरा है यहाँ पे ग्राफियन पुटिकाएँ और चौथा है यहाँ वाल्वा। आपको कमेंट करके आंसर देने हैं और ज़रूर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों ताकि आप पता कर पाएँ कि आपने कितना सीखा है। आज का हमारा वीडियो इतना ही, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।